हेलो स्टूडेंट्स, O2S एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके प्रीलिम्स पेपर को टारगेट करने के लिए हमने आपके लिए एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसके अंदर हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ है इसको करंट अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे MCQs के द्वारा यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S एकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि रिलेटेड है नील कुरिंजी से। तो अगर मैं नील कुरिंजी के बारे में बात करूं तो ये इसके जो फ्लावर्स हैं 12 साल में एक बार देखने को मिलते हैं, और नील कुरिंजी एक ऐसी श्रब है जो कि आपके नीलगिरी फॉरेस्ट या फिर नीलगिरी के अंदर जो आपके शोला फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं तो वहां पर ये ब्लॉसम करते हैं 12 साल में एक बार। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे कि जब ये ब्लॉसम करते हैं तो आपको ऐसे ब्लू माउंटेन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। इवन जो आपकी नील कुरिंजी है इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ अ स्ट्रोबीलेंथस कुंथियाना, और ये जो नाम है आपका एक पर्टिकुलर रिवर के ऊपर है, दैट इज़ कुंथी रिवर, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के द्वारा यहाँ पर गुजरती है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो नील कुरिंजी की जो बिगेस्ट सेंचुरी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नील कुरिंजी देखने को मिलते हैं, दैट इज़ इरविकुलम नेशनल पार्क, जो कि केरला के अंदर ही लोकेटेड है। तो दैट मीन्स आपकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू अनुभव पोर्टल। तो अगर मैं अनुभव पोर्टल के बारे में बात करूं तो COVID-19 पेंडेमिक होने की वजह से जो अनुभव के पोर्टल के यहाँ पे अवार्ड्स दिए जाते थे तो वो डिले हो गए थे, लेकिन अभी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन्होंने इस अवार्ड्स को दे दिया है। तो अगर मैं अनुभव अवार्ड्स या फिर अनुभव पोर्टल के बारे में बात करूँ, 2015 के अंदर इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, और ये पोर्टल बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि रिटायर्ड आपके ऑफिसर्स हैं। अगर उनका किसी भी चीज़ में एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, और गवर्नेंस के मामले में हो चाहे या फिर कोई सजेशन प्रोवाइड करने के मामले में हो, तो वो इस अनुभव पोर्टल के ऊपर अपना जो एक्सपीरियंस है उसके राइटअप्स जो हैं उसको शेयर कर सकते हैं, और उसमें से ही चूज़ किया जाता है अनुभव पोर्टल के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो दैट मीन्स हमारी कंट्री के अंदर गुड गवर्नेंस लाने के लिए इस अनुभव पोर्टल को लॉन्च किया गया था। जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस इस पोर्टल के ऊपर राइटअप्स के फॉर्म में शेयर करते हैं, तो दैट मीन्स ये गुड गवर्नेंस के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो कितनी कितनी दिखा रहे हैं पॉवर्टी हर एक कंट्री के अंदर, इवन इंडिया के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसको कौन निकालता है, तो UNDP के साथ मिलकर ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इस इंडेक्स को 2010 के अंदर शुरू किया गया था। पहले आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके अंदर अलग अलग इंडेसेस होते थे, लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो आपका 2010 के अंदर ऐड किया गया था। अब इसके अंदर भी आपको तीन डायमेंशंस देखने को मिलते हैं कि हमने पॉवर्टी को मेजर करना है तो किस बेस पे करें। एक तो हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है, और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड्स है। इवन इन डायमेंशन के अंदर आपको अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। जैसे हेल्थ जो है उसको दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, चाइल्ड मोर्टैलिटी हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप वेटेज की बात करें तो हमने यहाँ पर हर एक इंडिकेटर को सेम जो वेटेज है वो प्रोवाइड नहीं करी, बल्कि हमने सेम डायमेंशन को इक्वल वेटेज प्रोवाइड करी है। दैट मीन्स हेल्थ के लिए भी 1/3 वेटेज दी गई है, एजुकेशन के लिए भी 1/3 वेटेज दी गई है, और लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी 1/3 है। दैट मीन्स डायमेंशंस के लिए इक्वल वेटेज है, लेकिन उसके आगे जो इंडिकेटर्स हैं, जो उसके आगे पैरामीटर्स हैं, उनकी वेटेज सेम नहीं है। जैसे आपको न्यूट्रिशन की 1/6 वेटेज देखने को मिल रही है, वेयर एज एसेट्स की जो वेटेज है वो 1/8 है। दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा 1 only। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो अब अगर मैं सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बात करूं जो 1955 में आया था, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 11 है वहाँ पे पार्लियामेंट को यहाँ पे कुछ राइट्स होते हैं, पावर्स होते हैं कि ये टाइम टू टाइम जो है सिटीजनशिप एक्ट को ला सकते हैं कि किन किन लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करी जानी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 2019 के अंदर 1955 वाले एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करी गई। अब इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स करी गई हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे ऑफ कोर्स, और उन रूल्स के लिए 3 महीने की अभी एक्सटेंशन दी गई है, इस वजह से ये न्यूज़ में है।
तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर किन किन कम्युनिटीज़ को सिटीजनशिप दी जाएगी और कौन कौन सी कंट्रीज से हैं, तो आपने टोटल 6 कम्युनिटीज़ को यहाँ पर याद रखना है, दैट इज़ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज़। ध्यान देना है कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ नहीं हैं। दूसरी बात, कौन कौन सी कंट्रीज़ से ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो बिलोंग कर सकती हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। ध्यान देना है इन तीनों कंट्रीज़ के अलावा नेपाल, भूटान और जो श्रीलंका है वो इस एक्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उन सबको अलग प्रोविजंस के द्वारा यहाँ पे सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ टोटली करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, तो इन 6 कम्युनिटीज़ को 2 पर्टिकुलर एक्ट्स में से एग्जेम्प्ट किया गया है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इन एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो भी जाए तब यहाँ पे आपको एक तरह से इम्प्रिजनमेंट कर दी जाती थी, तो एक तरह से उस क्रिमिनल केसेस को या फिर क्रिमिनल ऑफेंसेस को यहाँ पर रिमूव किया गया है। तो दैट मीन्स आपकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमीशन। तो अगर मैं इस कमीशन के बारे में बात करूं तो कंज्यूमर अफेयर्स से रिलेटेड या फिर कंज्यूमर्स के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस कमीशन को बिठाया गया है। ये जो कमीशन है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा बनाया गया है। कौन सा एक्ट है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दूसरी अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका कमीशन है दैट इज़ अ क्वासी जुडिशियल कमीशन, दैट मींस इनके पास पावर्स रहती हैं एक तरह से जजमेंट्स वगैरह देने की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस कमीशन के जो हेड होते हैं वो रिटायर्ड या फिर सिटिंग जज हो सकते हैं, लेकिन ये जो रिटायर्ड और सिटिंग जज हैं ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के होंगे, ना कि हाई कोर्ट के। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो कमीशन है अगर कोई भी कंप्लेंट जो है 1 करोड़ की वैल्यू से ज़्यादा होगी तो इसको भी एंटरटेन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, दैट इज़ अ सेक्शन 21 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो दैट मीन्स आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगी। इवन अगर मैं बात करूं कि अगर इस कमीशन ने अपनी कोई भी जजमेंट दे दी है तो उसके लिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करी जा सकती है, लेकिन ये जो अपील है 30 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। तो अगर मैं सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, इस प्रोजेक्ट को 2017 के अंदर शुरू किया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है 2 बॉडीज का या फिर 2 ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोजेक्ट है, दैट इज एक तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और दूसरा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP। लेकिन अगर मैं फंडिंग के बारे में बात करूं तो इसका जो फंड है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और इस आपका सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट का काम क्या है कि जितना भी हिमालयस है वहाँ पे जितनी भी बायोडायवर्सिटी है, जितनी भी हैबिटेट है, उसको ख़त्म होने से बचाना है। तो दैट मींस वहाँ की जो एक तरह से पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करना है, या फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे ज़्यादातर आपको हिमालयन रीजन में स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो एक तरह से स्नो लेपर्ड्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। तो दैट मीन्स आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू प्लांट बेस्ड मीट। तो आपके इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन्ड आर्टिकल आया था प्लांट बेस्ड मीट के ऊपर। तो अगर मैं मीट के बारे में बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा नेचुरल मीट होता है वो एनिमल्स से, एनिमल्स की मसल्स से लिया जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं कल्चर्ड मीट के बारे में बात करूं तो कल्चर्ड मीट प्लांट बेस्ड मीट से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? कि कल्चर्ड मीट के अंदर भी एनिमल की सेल्स जो हैं उससे मीट बनाया जाता है लैब की कंडीशंस में। तीसरी बात अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्लांट बेस्ड मीट के ऊपर, तो यहाँ पे प्लांट्स से कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स को ले लिया जाता है जो कि मीट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फिर उनको प्रोसेस करके यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर उसको प्रोसेस किया जाता है और अल्टीमेटली मीट जैसा सेम टेक्सचर, सेम फ्लेवर और सेम कलर जैसी चीज़ों को प्रोड्यूस कर दिया जाता है। दैट मीन्स इस मीट के अंदर कोई भी सेल आपकी एनिमल की सेल नहीं होती। तो इसका मतलब ये आपका प्लांट बेस्ड मीट है, टोटली आपका एक तरह से वीगन मीट हम इसको कह सकते हैं।
तो उसके रिगार्डिंग ही आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैंने आपको प्लांट बेस्ड मीट के बारे में बता ही दिया कि ये बायो मिमिक करता है, मीट को रेप्लिकेट करता है, और इसमें से जो भी आपकी चीज़ें आती हैं वो प्लांट से डिराइव्ड होती हैं, और वो सेम दिखती है, सेम स्मेल करती है, सेम टेस्ट करती है एज दैट ऑफ मीट। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये जो प्रोटीन्स है ये अलग अलग चीज़ों से लिए जाते हैं, जैसे कि सोया हो गया, पीज हो गया, मशरूम हो गया, पोटैटोज हो गया, फावा बीन्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, या फिर अदर सोर्सेज से। तो इन सोर्सेज से जितने भी प्रोटीन्स वगैरह हैं उनको लिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और मीट की वे में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि यहाँ पे सेम टेस्ट, सेम स्मेल और सेम जो ऑर्डर है वो वैसा मीट बना सकें। तो दैट मीन्स आपकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू कोल। तो अगर मैं कोल के बारे में बात करूँ तो ये एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है। अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है, तो जितने भी डेड और रिमेन्स होते हैं लिविंग बींग्स के, दैट मीन्स जो भी जैसे जो पत्ते हैं पेड़ों से गिर जाते हैं, या फिर जितने भी आपके लिविंग बींग हैं जो कि डेड हो जाते हैं, ह्यूमंस डेड हो जाते हैं, तो उनके जितने भी रिमेन्स होते हैं वो धीरे धीरे सॉयल की लेयर्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और यही चीज़ आपकी बनाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। और जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ये जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, जो कि आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कोल को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो कोल है दैट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, आपको दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखने को मिलेंगे, एक है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम बड़े लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपका कोल, पेट्रोलियम हो गया। दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम बहुत लंबे टाइम से एक तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने उसको यूज़ करना शुरू किया है, जैसे कि आपका रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गया, हाइडल पावर प्लांट हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो कोल क्या है आपका कन्वेंशनल सोर्स, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि कोल से ही रिलेटेड है और आपको कोल के अलग अलग टाइप्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं एंथ्रासाइट के बारे में बात करूं, तो पहले तो जो कोल है उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर कार्बन कंटेंट जो है ये देखने को मिलता है। अगर जिस कोल के अंदर 80 से लेके 95% का जो कार्बन कंटेंट है अगर ये प्रेजेंट है, तो ऐसे कोल को हम एंथ्रासाइट कहते हैं, और जो एंथ्रासाइट है ये आपको जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिटुमिनस कोल के बारे में, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है 60-80% रहता है, और ये आपको झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब रीजन्स पे देखने को मिलेगा। एक और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो कोल है वो बिटुमिनस कोल ही मिलेगा आपको। थर्ड, अगर मैं बात करूँ लिग्नाइट कोल के बारे में, तो लिग्नाइट कोल के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो 40-55% रहता है, और पीट जो है इसके अंदर लेस देन 40% कार्बन कंटेंट रहता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पीट है वो कोल की सबसे कम क्वालिटी वाला कोल है, ठीक है। तो लिग्नाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपको राजस्थान, असम और आपके कुछ कुछ वेस्ट बंगाल वाले रीजन्स में देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स आपका जो आंसर बनेगा दैट इज़ अ सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियन बेसिन्स। तो अगर मैं इंडियन गौर बेसिन्स के बारे में बात करूं, तो श्रीलंका ने अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि श्रीलंका ने 6 गौर बेसिन्स को ट्रांसलोकेट करने की बात करी है इंडिया से। तो इसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये लार्जेस्ट स्पीशीज है वाइल्ड कैटल की, और इसकी जो हाइट है ये आपको देखने को मिलेगी 220 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर्स, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, जो कि 1972 का एक्ट है, इसके शेड्यूल 1 के अंदर ये लाई करती है। देखो, आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 6 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जो पहले 2 शेड्यूल्स होते हैं, अगर उनके अंदर कोई भी एनिमल की यहाँ पे ट्रेड वगैरह करी जाती है, या फिर उनको मारा जाता है, या फिर उनको कंजर्व नहीं किया जाता, तो उसके लिए हाईएस्ट पेनल्टीज़ मिलती हैं। थर्ड और फोर्थ शेड्यूल के अंदर आपको पेनल्टीज़ मिलती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि आपके फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल के अंदर है।
अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर ऐसे एनिमल्स हैं जिनको कल किया जा सकता है, और सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर आपके ऐसे प्लांट्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं कल्टिवेशन के लिए। तो ये कुछ चीज़ें आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। अदरवाइज जो आपका इंडियन बिसन गौर है ये आपके शेड्यूल वन में लाई करता है, और IUCN स्टेटस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर लाई करता है। तो दैट मींस आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक जो MCQs हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।